वेलकम टू माई चैनल पकवान विद जायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खजूर की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी की रेसिपी। 400 ग्राम्स में इमली लेके इसमें तो एक कप पानी ऐड करके 2 घंटे के लिए मैं इसको सोक करने छोड़ दी थी। उसके बाद इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करके इमली का पल्प में निकाल ली। और यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ, 700 ग्राम्स में ले रही हूँ गुड़। आप चाहे तो गुड़ के प्लेस में शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और 12 खजूर ले रही हूँ मैं, खजूर की बीन निकाल के उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इमली के पल्प को मैं बॉईल करूँगी, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। इमली में पहले से पानी ऐड करके इसका पल्प निकाल ली। अब मैं इसको अच्छी तरह से बॉईल करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खजूर का पेस्ट और गुड़, ये 2 चीज़ ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी। 700 ग्राम्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। वन टेबल स्पून फुल रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून फुल नमक, 1.5 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून फुल जिंजर पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करके मैं चटनी को अच्छी तरह से कुक कर ली। इसको इतना कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाना। ये अब दिखने में इस तरह से लग रही, लेकिन ठंडी होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती। चटनी बनके रेडी हो गई। मैं इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए मैं इसको रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैं ले रही हूँ 1 बंच पुदीने का, 1 बंच कोथमीर का। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैं कट कर ली, और 7 से 8 ग्रीन चिलीज इसको छोटे पीसेस में कट कर ली, और 1 नींबू। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। मैं ऐड करूँ पुदीना, कोथमीर, ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 कप पानी ऐड करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। 1 नींबू का जूस भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नींबू का जूस ऐड करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। हरी चटनी बनके रेडी हो गई। आप इसको चाट में, दही वड़े में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बना के 8 टाइट बॉटल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आराम से इसको फ्रिज में आप 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करिए, ये बहुत मज़ेदार चटनियाँ बनते हैं। आप इसको रमज़ान में चाट में और दही वड़े में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इस चैनल पकवान विद जायका को आप सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।